होली की ढेर सारी शुभकामना की आप सब होली की ढेर मजा लीजिए। और हमारे प्रदीप भैया हैं जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे संजय किशन पटियाला जो प्यारों हमारे ही नहीं पूरे इंडस्ट्री के प्यारों हैं ये और पूरे इंडस्ट्री की मोहब्बत में जीते हैं मोहब्बत में रहते हैं और आप सबके प्यार हमेशा पाते हैं। तो आज सब लोग हमारे घर पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और प्यार बांटने आए हैं। तो आप लोग भी होली की खूब धूल उड़ाइए अबीर खेलिए दारू मत पीजिएगा। यही खेसारी लाल यादव देखिए रंग रंगा वाले दर्शकों को पहचान में मैं नहीं आ रहा है तो एक दो लाइन अगर सुना दे होली के लिए नोने रोटी खाएंगे भले के मैं दारू ले नोने रोटी खाएंगे खेसारी लाल यादव घर पे होली मनाएंगे। खेसारी लाल यादव की ये वीडियो देखकर हैरान हो गए खेसारी लाल यादव के पापा मंगरू। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ही खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें खेसारी लाल यादव अचानक बाइक चलाते चलाते गिर जाते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव बाल बाल बच जाते हैं चोट लगने से, लेकिन आप लोग भी जिस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव बाल बाल बच जाते हैं। और हालांकि जब यह वीडियो खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव ने जब इस वीडियो को देखा तो वो हैरान हो गए और उनका भी एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि खेसारी लाल यादव के ये वीडियो देखकर कुछ बातें बोले हैं। हालांकि हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते लेकिन उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी लाइव वीडियो में खेसारी लाल यादव के पिता बोलते हुए कुछ नजर आते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव का ये वीडियो देखकर चौंक जाते हैं खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव। आप लोग भी जिस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव को चोट नहीं लगी, खेसारी लाल यादव बाल बाल बच गए। लेकिन आपको बता दें हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन ये बोल राधे बोल फिल्म की शूटिंग का एक सीन है जो कि इस सीन को सोशल मीडिया पर डाला गया और ये सीन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया और खेसारी लाल यादव के फैंस बड़ी मात्रा में इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए।